एटीएम का इस्तेमाल आजकल आम हो चुका है। हर उम्र के लोगों को पैसे निकलवाने के लिए एटीएम जाना पड़ता है या निकालने के लिए। लेकिन इन्हीं एटीएम पर अगर किसी की नजर हो तो आप सोच सकते हैं कि बैंक को कितने का नुकसान हो सकता है। चलिए आज आपको बताता हूँ ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में जहाँ सीसीटीवी में कैद हुई एटीएम चोरों की करतूतें। पहली घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एटीएम चोरी की घटना हर दिन सुनने को मिल जाती है, पर यह घटना बेहद अनोखी थी। इस फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि दो इंसान एक कार से निकलते हैं और कार को एटीएम के बाहर लगा देते हैं। इसके बाद वो कार की डिक्की खोलते हैं और वहां से लोहे की एक चेन निकालते हैं। उस लोहे की चेन को वो दोनों इंसान एटीएम के ऊपर लगाते हैं और कार में बैठा इंसान कार आगे चलाता है। ज्यादा प्रेशर लगने पर एटीएम अपनी जगह से निकल जाता है और फिर वो दोनों दोस्त मिलकर उस एटीएम को अपनी कार में रख लेते हैं। अजीब बात तो ये है कि उन्होंने इतना सब किया और किसी को भनक तक नहीं लगी। ना ही एटीएम के पास कोई गार्ड था और ना ही एटीएम उखाड़ने पर किसी को कोई आवाज आई। अगली घटना है पटना की। पटना के एक एटीएम में 40 लाख की चोरी की घटना ने तहलका मचा दिया। पटना के एक रेजिडेंशियल एरिया में बने एटीएम में चोरों ने वहां के लोगों के होश उड़ा दिए। इस फुटेज में पहले तो सब सामान्य था, फिर एक 26 से 27 साल का इंसान एटीएम के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो एटीएम को चाबी से खोलता है। उसके तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पैसे निकालने नहीं डालने आया है। उसने एक चाबी के यूज से एटीएम को खोल दिया, फिर लॉकर को खोला और उसमें से एक के बाद एक पैसों की गड्डियां निकाली और वहां से चलता बना। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगली घटना है दिल्ली की। दिल्ली के जनकपुरी में घटी इस घटना को जिसने सुना वही हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ चोर इतने शातिर निकले कि उन्होंने दिन दहाड़े पब्लिक के सामने से पैसे चुराए और किसी को पता तक नहीं चला। दिसंबर 2016 को दो लड़के एक एटीएम में आते हैं और पैसे निकालने का नाटक करते हैं। इसके बाद एक इंसान एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और मशीन के ऊपर वाले हिस्से पर एक चिप लगा देता है। चिप लगाने के बाद मशीन के ऊपर वाला हिस्सा खुल जाता है और ऊपर वाला हिस्सा खुलते ही आगे खड़े लड़के ने कुछ कोड्स डाले। इसके बाद मानो मशीन उसकी गुलाम हो गई हो और एक के बाद एक उसके पास 2000 के 32 नोट्स आ गए और वो दोनों सारा पैसा लेकर चलते बने। और अगली घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आए दिन चोरी की घटनाएं तो सामने आती ही रहती हैं, पर ये घटना कुछ अजीब थी, कुछ अलग थी। इस घटना में तीन लड़के एटीएम चोरी के लिए एक एटीएम में घुसते हैं। इनमें से एक ग्लव्स पहने रखता है और चेहरा भी ढके रखता है, पर बाकी के दो का चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है। ये तीनों पहले तो अपनी पूरी ताकत लगा के एटीएम के आगे का दरवाजा तोड़ते हैं। जैसे ही इन्हें लगता है कि कोई आ रहा है तो वो सभी छुपकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब उन्हें तसल्ली हो जाती है तो वो सभी एटीएम का लॉकर खोलते हैं और वहां रखे सभी पैसे लेकर फरार हो जाते हैं, पर सीसीटीवी में चेहरा आ जाने की वजह से तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। अगली फुटेज है हरियाणा की। ये घटना हरियाणा के रोहतक जिले की है। रात के टाइम तीन लोग एक एटीएम में घुसे जहां दो एटीएम मशीन लगी हुई थी। इसके बाद दो लोगों ने एटीएम का दरवाजा तोड़ना शुरू किया। एटीएम का दरवाजा तोड़ते ही एक इंसान एटीएम के लॉकर से एक चेन बांध देता है। फिर तीनों में से एक इंसान बाहर जाता है और बाहर खड़ी गाड़ी की मदद से एटीएम के लॉकर को तोड़ देता है। इसके बाद एटीएम में पहले से मौजूद दो लोग सारा पैसा लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना से जितना एटीएम को नुकसान हुआ उसे देखकर तो लगता है कि अच्छा खासा शोर उस समय वहां हुआ होगा, पर अजीब बात तो ये है कि वो सभी चोर वहां से भाग गए और किसी को पता तक नहीं चला। तो सावधानी रखें, सतर्कता बनाए रखें और बाकी अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।